बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही केम टू नो हिमसेल्फ। उसे अपनी पहचान मिली। एट द फर्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस इन उर्दू एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस इन इंग्लिश एज वेल। उर्दू एंड इंग्लिश इज गो बाय चीक बाय जोल। सो फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट इन उर्दू। उसे अपनी पहचान मिली। ये नज़म नज़रिया है वजूद वादतुल वजूद का प्रचार करती है। इस नज़रिए के मुताबिक रब ताला और कायनात एक ही चीज़ है और ये कि अल्लाह हर चीज़ में बसता है, मगर ये एक इख्तलाफी नज़रिया है। अल्लाह ताला ने चाहा कि वो पहचाना जाए, इसलिए उसने ये सारी कायनात को तख्लीक फरमाया। इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने मोमिनों के दिलों को अपने नूर से मुनव्वर फरमाया। अल्लाह ताला मंसूर के दिल में यूं बस किया कि वो इश्के इलाही में सूली पर चढ़ गया। हज़रत यूसुफ़ के दिल में जब हुब्बे इलाही पैदा हुई तो वो बतौर ग़ुलाम मिस्र के बाज़ारों में बिक गया। शायद जबकि अल्लाह की तजल्ली की बात करता है तो वो सच कहता है। अब हम जो है वी विल डिस्कस अबाउट इन इंग्लिश द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। द पोएम हाईलाइट अ रिलीजियस आइडिया। इट सेज दैट अल्लाह एंड द यूनिवर्स आर वन थिंग and that Allah is present in all natural things, but it is controversial doctrine. This poet says that Allah descended from heaven to bless human with his love. He blessed Mansur with his love, thus Mansur got ready to cut his head off for his sake. He blessed Joseph with the love, the Joseph al-Islam, Hazrat Yusuf al-Islam, got ready to be sold as a slave in the bazaar of Egypt. So this is the main idea of the poem. So we will discuss about the reference to the context and then explanation. So the first part is reference to the context. These lines have been taken from the poem He Came to Know Himself by Sachal Sir Mast. What would be the context? If you got any lines from this poem, you can write this reference to the context. What is context? The poem reveals a mystic belief that God comes to the heart in the gives in his true lover. A true lover do not hesitate to face miseries. Trial and tribulation strengthen their faith in God. They sacrifice their lives, status and worldly benefit. This is the perfect context for this poem and refer to the context. So we will discuss about the first stanza and synonyms. So and I will explain the first stanza. So the first stanza, he came to know himself, usse apni pehchan mili. So not else had he in view. Wo kehta hai iske alawa iske maqsad kuch na tha. To be able to realize is maqsad ko pura karne ke liye, he got enmeshed in love, aur wo Allah ki mohabbat mein दिलों में घर कर गया या बस गया। सो व्हाट वुड बी दिस वर्ड्स? नॉट इज़ नथिंग, रियलाइज इज फाइंड, एमेश इज एंटेंगल। सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज लाइन इन द एक्सप्लेनेशन। द पोएट नरेट हेयर अ मिस्टिक बिलीव दैट गॉड्स कम इन द वर्ल्ड इन द गिव्स ऑफ हिज लवर टू शो द स्पिरिट ऑफ लव टू द गॉड। यानी अल्लाह ताला जो है वो एक जो है अपने इंसानों के दिलों में जो है एक शक्ल इख्तियार करके बस गया है। गॉड इज़ क्रिएटर एंड द मैन इज इज क्रिएशन। अल्लाह ताला जो पैदा करने वाला है और उसकी जो मखलूक है वो पैदा करता है। व्हाट शुड बी द रिलेशन ऑफ द मैन एंड द गॉड एंड हाउ मच इंटेंसिफाई गॉड लव डिमांड्स वॉर द पर्पज टू बी इन द गिव्स ऑफ मैन। कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला के साथ इंसान कितनी मोहब्बत करते हैं और उसकी डिमांड का इस मकसद के लिए। टू नो एंड शो हाउ मच लव मैंस हैज़ फॉर द गॉड, ये देखने के लिए कि अल्लाह ताला के साथ जो है इंसान जो है कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। एंड व्हाट ट्रू स्पिरिट शुड बी टू लव अ गॉड, और एक सच्चा जज्बा क्या होना चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए। ही गेट्स डाउन फ्राम द हेवन, इसलिए वो क्या हेवन से नीचे आए। एंड एनलाइटन इन द लव, और एक मोहब्बत की शक्ल में जो है निमोदार हुआ। ही रियलाइजेज हु लव्स गॉड मोर देन ऑल हिज बिलोंगिंग, यानी वो ये समझता है कि वो अपनी तमाम चीज़ों के, इंसान ये समझता है कि अपनी तमाम चीज़ों से ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत उसे जो है चाहिए।
रिलेशन एंड स्टेटस, स्टेटस के अलावा और रिलेशन के अलावा, ही रियलाइज इट एंड ब्लेसिंग हिज लवर हिज इंटरनल लव. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टंजा. सो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड, दैट इज ही अलाइटिन फ्रॉम द हाई हेवन टू पोर अ कास्केट ऑफ लव बिकेम मंसूर टू माउंट द क्लाउड्स जस्ट टू हैव हिज हेड कट ऑफ. अब हम इसको जो है उर्दू में देखेंगे कि क्या कहते हैं. वो बहिश्त बरी से उतरा मोहब्बत की आबशार बसाने के लिए और अपने इश्क के नूर से मुनव्वर मंसूर के दिलों को यूं मुनव्वर किया कि वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में सूली पर चढ़ गया महज अपना सर कटवाने के लिए. अब हम उनके वर्ड मीनिंग को देखते थे. अलाइटेड है, लैंडेड है, हेवन जो है वो पैराडाइज है, पोर जो है स्प्रिंकल है, कास्केट जो है वाटरफॉल आबशार जो होती है, माउंट जो है गो अप चढ़ जाना, ग्लाउस जो है वो फांसी का तख्त है, कट ऑफ जो है वो स्लिट है अपना सर कटवाना जो है. सो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन. द स्पोर्ट हिज मिस्टिक बिलीव अपने इस सूफियाना नज़रिए को जो है मदद देने के लिए. द पोएट कोट्स एग्जांपल ऑफ सम ट्रू लवर ऑफ गॉड ऑलमाइटी. शायर ने जो है चंद एक जो है एग्जांपल दी हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत मोहब्बत करते थे. ही सेज दैट द शोज एक्सट्रीम लव, उसने अपना बहुत ज़्यादा लव दिखाने के लिए गॉड ऑलमाइटी केम डाउन फ्रॉम द हेवन, अल्लाह ताला जो है वो हेवन में आया, एंड ऑन द अर्थ और अर्थ से टू गिव्स ऑफ मंसूर या मंसूर अलैहिस्सलाम की शक्ल में. मंसूर हलाज वाज द सेंट, ये एक क्या के सेंट थे हु लव्ड गॉड ऑलमाइटी सो मच दैट फॉरगेट हिज ओन सेल्फ, वो अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो अपने आप को भी भूल गए. एंड गॉन ड्रंक स्ट्रीट सेड, और वो अल्लाह की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हो गए कि उन्होंने खुद कह दिया कि आई एम गॉड, कि उन्होंने अपने आप को गॉड कह दिया. ही वॉज हैंग्ड, इसी वजह से उनको लटका दिया गया. अकॉर्डिंग टू द पोएट, शायर के मुताबिक, गॉड शोज दैट इन द लव ऑफ गॉड मिजरी शुड बी फेस मैनफुली, कि हमें तमाम तकालीफ को अल्लाह की मोहब्बत के लिए जो ना सामना करना चाहिए. हिज लवर फेस ऑल द मिजरीज एंड हार्डशिप विद द स्माइलिंग फेस, और अल्लाह ताला से जो मोहब्बत करते हैं वो अपनी तमाम तकालीफ़ों को और परेशानियों को जो है हंसते हुए जो है चेहरे के साथ एक्सेप्ट करते हैं. दे डू नॉट हेजिटेट टू ले डाउन देयर लाइव्स इन द डीप लव फॉर द गॉड ऑलमाइटी, अगर अल्लाह की राह में उनकी जान कुर्बान भी हो जाए तो उनको इसकी कोई फिक्र नहीं होती. सो द लास्ट स्टंजा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ही ट्रेडेड द बाजार ऑफ इजिप्ट जस्ट टू बी सोल्ड फॉर अ स्लेव. सच टू स्पीक द बेयर ट्रूथ टू स्पीक ऑफ हिज सोजर्न ऑन द अर्थ. अब ट्रेड जो है वो वॉक है, चाल को कहते हैं, चलने को वॉक है. बेयर जो है सिंपल है या प्लेन है, और सोजर्न जो है टेम्परेरी और आर्जी है. सो हम इसको जो है हम उर्दू में देखते हैं. हजरत यूसुफ के दिल में जब अल्लाह ताला का इश्क मौजिज़न हो गया तो हजरत यूसुफ मिस्र के बाज़ारों में मारा मारा फिरता रहा सिर्फ ग़ुलाम बनकर बिकने के लिए. सिर्फ हक सच की बात कहता है कि वो आलम कि जब वो आलम में अल्लाह की तजल्ली सिफात की बात करता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट द लाइंस ओवर हेयर एक्सप्लेनेशन. हेयर द पोएट गिव्स द एग्जांपल ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है वो मिसाल देता है. हु वाज सोल्ड एज ए स्लेव इन द बाजार ऑफ इजिप्ट, जो मिस्र के बाज़ारों में जो है ग़ुलाम के तौर पर जो है बेचा गया. इन द डीप लव ऑफ ऑलमाइटी ही डिड नॉट केयर हिज स्टेटस, अल्लाह की सख्त मोहब्बत में जो है उन्होंने अपने जो है स्टेटस मर्तबे का जो है बिल्कुल ख्याल नहीं किया. एंड सबमिटेड हिज विल टोटली टू गॉड, और उसने अपनी ख्वाहिश अल्लाह के सामने ख़त्म कर दी. द पोएट शो दैट द लवर ऑफ गॉड सेक्रीफाइज देयर स्टेटस, शायर ये कहता है जो अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं वो अपने मर्तबे को भूल जाते हैं. दे ओनली रिमेन हैप्पी एंड ड्रंक गॉड लव फॉरगेटफुल ऑफ देयर ओन स्लेव, वो हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार रहना पसंद करते हैं और अपने स्टेटस को चाहे वो गुलाम हो किस तरह का हो वो उसको भूल जाते हैं और गुलाम बनना भी पसंद कर देते हैं. द पोएट असर्ट दैट इन द गिव्स ऑफ दीज लवर ऑफ गॉड, वो कहते हैं कि इस अल्लाह की इन बरगुजीदा बंदों की शक्ल में गॉड हिमसेल्फ कम्स ऑन द अर्थ, इस तरह जो है अल्लाह ताला की ज़ात जो है ज़मीन के ऊपर उतरती है. टू कंक्लूड द पॉइंट ही सेड दैट व्हेन ही स्पीक ऑफ गॉड प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ द अर्थ इन द पोइम हिज लवर अनडोटेबली ट्रू, जब अल्लाह ताला की ज़ात इस तरह उतरती है तो उसके लवर जो है बिलाशुबा जो है वो सच बोलते हैं और वो अल्लाह की प्रीचिंग करते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट स्टंजा एंड सो वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम। व्हाई डज द पोएट पुट एम्फसाइजेस ऑन हाउ टू नो हिमसेल्फ, राइटर जो है क्यों एम्फसाइज करते हैं अपने आप को जानने के लिए। द नॉलेज ऑफ सेल्फ इज द नॉलेज ऑफ अल्लाह, जो नॉलेज ऑफ सेल्फ जो है वो अल्लाह का नॉलेज है। Therefore, the poet gives importance to the knowledge of the self and informs us how to get it. वो हमें इस बारे में बताता है कि ये हम जो knowledge of self किस तरह हासिल करना है और इसे कैसे understand करना है। Question number 2, what makes one entangled in love? Man needs to know himself. इंसान को अपने आप को जानने की ज़रूरत है। The poet wants to tell us that the love leads to know about self, जो अल्लाह की मोहब्बत है वो एक्चुअली हमें अपने आप को जानने का मौका देती है। सो दैट वन मस्ट एंटेंगल इन लव, अगर आपने अपने आप को जानना है तो फिर अल्लाह की मोहब्बत में हमें गिरफ्तार होने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द मंसूर मॉन द ग्लोस, मंसूर जो है वो फांसी के तख्ते पर क्यों चढ़ गए थे। अल्लाह बेस्टो मंसूर विद द लव, अल्लाह ने मंसूर को मोहब्बत में गिरफ्तार किया था। हिज हार्ट बिगेन टू ग्लो विद द डिवाइन लाइट, उनका दिल जो है इस बहुत ही पाक रोशनी से ये मुनव्वर हो गया था। ही फॉरगेट हिमसेल्फ एंड माउंटेड द ग्लोस टू प्लीज अल्लाह, अल्लाह को खुश करने के लिए वो फांसी के तख्ते पर सवार हो गया। सो वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हाट इज बेयर ट्रुथ, के एक सिंपल सच जो है वो क्या है। पाइस हार्ट ग्लोज विद द डिवाइन लाइट, जो नेक दिल होते हैं वो नेक क्या है कि लाइट के साथ, जो अच्छी जो पाकिजा लाइट होती है पाक लाइट के साथ जो ना जलते हैं दमकते हैं। पाइस पीपल डिस्कवर द डिवाइन लाइट दे सी, द पोएट सी दैट द प्रेजेंस इन द डिवाइन लाइट इज द अर्थ इज अ बियर ट्रुथ, ये जो है कहते हैं कि बियर ट्रुथ है। Why does the poet say about his sojourn on the earth in the last stanza? Last stanza के अंदर जो है वो क्यों कहता है कि हमारा दुनिया के अंदर स्टे जो है वो टेम्परेरी है। The poet says that the Allah is present everywhere in the world, Allah जो है हर जगह जो है वो present है, हाजिर है। It is not mere a claim, ये एक दावा नहीं है। It is a whole truth, ये सबसे बड़ा सच है। He says that all things created by Allah shows the divine art. वो ये कहता है कि जितनी चीज़ें भी अल्लाह ने बनाई हैं वो divine art है और अल्लाह हर art के अंदर और हर चीज़ के अंदर नज़र आता है। ये important question है और important question के साथ साथ इसके answer भी दिए गए हैं, so that you can learn very well. That is very difficult poem because that has religious doctrine. So you should go through the lines deeply to understand such kind of thing. Thank you so much for watching my channel, and I have given my name, number and as well as email if you have any query, if you have any question regarding this poem and as well as my others update, you can also consult with me through email and as well as my contact number. I am working on particularly in the society and inshallah in near in future you will see my video about the discuss about or discuss what is happening on in the society. So I will also discuss because small talk is giving you some such kind of thing. Thank you so much for watching my channel. Assalamu alaikum.